आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो गाइस क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेंड बाय मिक्सिंग 5 ml ऑफ 0.1 NH4OH विद 250 ml ऑफ 0.1 NH4Cl सॉल्यूशन। तो के भी दिया गया है 4 NH4OH 1.8 इनटू 10^-5। तो सबसे पहले बात की है यहां पर 5 ml ऑफ 0.1 ml NH फोर ओ एच को ऐड किया जा रहा है इसमें 250 एम एल ऑफ 0.1 एम एन एच फोर सी एल। तो इस सॉल्यूशन में ये ऐड किया जा रहा है। अब बात की जा रही है यहाँ पर 5 ml और 250 ml की। यहाँ पर एक वॉल्यूम बनेगी, टोटल वॉल्यूम कितनी आएगी यहाँ पर 255 ml, यानी कि 0.1 एम कंसंट्रेशन एन एच फोर ओ एच का है, 0.1 एम कंसंट्रेशन एन एच फोर सी एल का है वो 250 ml में है और ये 5 ml में है। तो अब यहाँ पर 255 ml में क्या कंसंट्रेशन होगा इन दोनों का, तो न्यू कंसंट्रेशन क्या होगा, तो न्यू कंसंट्रेशन ऑफ एन एच फोर ओ एच क्या होगा, नंबर पहले ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ मिलीमोल्स, नंबर ऑफ मिलीमोल्स कैसे निकलेंगे एम इंटू वी करके, एम क्या है हमारा 0.1 और वी वॉल्यूम कितनी है 5 एम एल, तो यानी कि 0.1 इंटू 5 जो है मिलीमोल्स होंगे और अकाउंट में क्या होगा टोटल वॉल्यूम है उनका, तो टोटल वॉल्यूम कितनी है 255। यहाँ पर अगर इसका इक्वेट कर दे तो इसका आंसर जो आने वाला है वो आएगा लगभग 1.9 × 10^-3 एम। अगर ऐसी इसी तरह बात करें हम न्यू कंसंट्रेशन ऑफ एन एच फोर सी एल, तो न्यू कंसंट्रेशन ऑफ एन एच फोर सी एल कितना होगा, और न्यू कंसंट्रेशन एन एच सी एल को एन एच फोर सी एल की बात करें तो यहाँ पर 0.1, क्योंकि इसका भी कंसंट्रेशन 0.1 था बट इसकी वॉल्यूम कितनी थी 250 एम एल थी, तो यहाँ पर 250 मिलीमोल्स हो जाएंगे, फॉर्म में टोटल वॉल्यूम कितनी है 255 ml, तो न्यू कंसंट्रेशन आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास लगभग 9.8 × 10^-1। तो ये न्यू कंसंट्रेशन आ चुके हैं हमारे पास। अब हमें पता है कि एन एच फोर ओ एच और एन एच फोर सी एल एक बेसिक बफर बनाएंगे, क्यों बेसिक बफर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि हमें एक वीक बेस दिया गया है, वीक बेस ये है और वीक बेस का एक सोल्ट किया गया है, तो वीक बेस और वीक बेस का सोल्ट हमेशा एक बेसिक बफर बनाते हैं। इसका पी ओ एच जो गिवन होता है हमेशा, अगर पी ओ एच की बात की जाए तो पी ओ एच क्या होता है बेसिक बफर का, तो पी ओ एच जो होता है वो होता है पी के बी प्लस लो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट ओवर बेस। तो ये हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट, और यहाँ पर सोल्ट क्या हमारे पास, सोल्ट हमारा ये है और बेस हमारा ये है, और अगर के बी की वैल्यू हमें गिवन है 1.8 × 10^-5, तो पी के बी कितना होगा, पी के बी आ जाएगा हमारे पास 5 − log 1.8 जो कि होता है इसके बराबर 4.744 के। तो यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पी ओ एच क्या आएगा, पी ओ एच जो आएगा 4.744 प्लस लो ऑफ कंसंट्रेशन सोल्ट का कितना है हमारे हमारे पास 9.8 × 10^-2, और हमारे पास बेस का कंसंट्रेशन कितना है, बेस का कंसंट्रेशन है 1.9 × 10^-3, तो ये हमारे पास बेस का कंसंट्रेशन है। तो पी ओ एच यहाँ से जो फाइनल निकल कर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ से सी ओ एच जो निकल कर आएगा हमारे पास 4.744 प्लस अगर बात की जाए यहाँ पर 1.7124 कुछ आएगा, तो यहाँ से पी ओ एच हमारे पास क्या आएगा फाइनल 6.456 आ जाएगा, 6.456 आ जाएगा।
और हमें पता है पी एच और पी ओ एच जो होता है इक्वल टू होता है 14 के, हमें पता है। तो इस रिलेशन में पी ओ एच की वैल्यू पुट करेंगे और पी एच को निकालेंगे, तो पी एच क्या आने वाला है हमारे पास, पी एच जो आएगा वो आएगा 14 माइनस पी ओ एच, और पी ओ एच क्या है हमारे पास, 14 माइनस पी ओ एच है हमारे पास 6.456। तो यहाँ पर पी एच जो आएगा हमारे पास आ जाएगा 7.543, तो कुछ यही अंतर आएगा। तो हमसे यही पूछा गया था कि पी एच बताने की इन सॉल्यूशन की, जिसमें कि 5 ml NH4 को 250 ml NH4Cl सॉल्यूशन को ऐड किया गया, तो पी एच उसके आ रही है 7.54। यही था इस क्वेश्चन का आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।